प्रियंका ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सीएम सुक्खू की सराहना की तो भाजपा ने याद दिलाया 1500 का वादा। 10 माह पहले चुनावी सभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का वादा। बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के दौरान प्रियंका वाड्रा ने केंद्र सरकार से बिना भेदभाव मदद की अपील भी की। एक महिला होला तो 1500 रुपए, दुई होला तो 3000, त्राय होला तो 4500, चार होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोलता है। हम 18 साल से 60 साल की जो महिला है, बेटियां है या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना से ही सरकार बनेगी। एक हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। 1,00,000 रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके मिलना शुरू हो। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। गत विधानसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कमान संभाल चुकी प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित कुल्लू और अन्य क्षेत्रों के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बिना भेदभाव के हिमाचल की भरपूर मदद करनी चाहिए और हाल ही में G20 समिट के दौरान सीएम सुक्खू भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। प्रियंका के इस दौरे पर भाजपा के राज्य प्रवक्ता एवं विधायक बलवीर वर्मा ने जमकर तांज कसे और उन्हें महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1,00,000 नौकरियों का वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का वादा करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा 2.5 माह बीत जाने के बाद बाढ़ प्रभावितों की सुध लेने पहुंची और पेंशन को लेकर कुछ नहीं बोली। कुछ बड़े उद्योगपति इससे भी नुकसान है, पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी तो कुछ लेडीज श्रमदान कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेजी से करना चाहिए। तो पूरी जो चुप्पू जी बता भी रहे थे कि काफी लोगों ने दान भी दिया है, कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी किसी ने 5,00,000 का चेक दिया, 1,00,000 का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना है और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है, ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की। सुक्खू जी ने कहा कि वो मिले नहीं थे जब G20 किया था, तो मैंने कहा कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए, उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे। आज 2.5 महीने के बाद वो मंडी और कुल्लू के दौरे पर आए हैं, पर हिमाचल प्रदेश की मातृशक्ति महिलाएं उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उन्होंने सोलन में अपने स्पीच में कहा था कि 15 दिन के अंदर महिलाओं के खाते में 1500 रुपया आएगा, और उसका जवाब उन्होंने वहां भी नहीं दिया और प्रेस वार्ता में भी वहां उनसे पूछा गया था पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और मेरी उनसे यही विनती है कि जो इलेक्शन टाइम है, झूठी गारंटियों देकर आपने प्रदेश में सरकार बनाई है और प्रदेश की जनता आपकी झूठी गारंटियां मानकर आपको सत्ता में लाए हैं, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश में बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे और उनके कार्य को लोगों ने इसलिए नज़रअंदाज किया कि उन्होंने 10 झूठी गारंटियां देकर हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को और स्पेशली मातृशक्ति को, हमारी माँ बहनों को ठगा है। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी घड़ी में हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसी कोई मातृशक्ति नहीं है जिनका इस आपदा में नुकसान नहीं हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। जो आपने इलेक्शन टाइम में वायदा किया है 1500 रुपये का, आप तुरंत हिमाचल प्रदेश की जनता को
हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को तुरंत वो 1500 रिलीज करें, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी विनती है।